हेलो क्लास, कैसे हो? तो आज हमारा टॉपिक है डीप बार केज रोटर मोटर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करा दिया था डबल केज रोटर, तो आज हमारा टॉपिक होगा डीप बार केज रोटर मोटर। देखो, आप इसमें जब देखोगे आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखेगा कि ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो हमारे एक डीप बार केज रोटर है। ठीक है, रोटर के अंदर जो स्लोट्स, जो हमारे बार रखे जाते हैं ना, कंडक्टर बार, उस कंडक्टर बार का एक कंडक्टर बार लिया हुआ है हमने। उस कंडक्टर बार को ऐसे डिज़ाइन करते हैं, इसके अंदर तीन एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी। आप देखोगे जब इससे करंट फ्लो होगी इस बार से, तो कैसे फ्लो होगी कि चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लो, द रोटर कंसिस्ट ऑफ डी बार शॉर्ट सर्किटेड बाई टू एंड रिंग्स ऑन रिंग्स वन ऑन ईच साइड। आपको मैंने बताया था वैसे ये नॉर्मल कि जो हमारा रोटर का कंडक्टर होता है वो क्या होता है, स्लिप रिंग, ओ सॉरी, एंड रिंग्स होते हैं, एंड रिंग से जिसकी एक एंड रिंग इधर होगी और एक एंड रिंग इधर होगी, और ये कंडक्टर बार ऐसा रखा होगा तो ये दोनों तरफ से क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स लाइन्स आर शोन बाई द डॉटेड लाइन्स, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स लाइन आर शोन बाई द डॉटेड लाइन। जो ये डॉटेड लाइन है क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ कंसिडर दैट द बार कंसिस्ट ऑफ मैनी नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट डीप, मतलब इनकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो क्या है, अलग है। बार कंसिस्ट ऑफ मैनी नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेप्थ, हाँ ये अलग अलग है। ऑल द स्ट्रिप्स आर इन पैरेलल इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली कैसे हैं ये, पैरेलली कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकली कैसे हैं, पैरेलली कनेक्ट है। देखो, द लीकेज इंडक्टेंस ऑफ द बॉटम स्ट्रिप इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ टॉप स्ट्रिप एज मोर फ्लक्स, जैसे कि इसने कहा जो हमारा ये लास्ट वाला है मतलब एलिमेंट सी है, इसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं वो ज़्यादा हैं, लीकेज फ्लक्स लाइन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ये क्या है, ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होने की वजह से इसका जो इंडक्टेंस होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसका देखो एलिमेंट ए का लीकेज फ्लक्स क्या है, कम है, तो यहाँ पर इंडक्टेंस इसका क्या रहा होगा, कम रहा होगा। जब इसका इंडक्टेंस कम होगा तो करंट कैसी होगी, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग द रोटर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द स्टेटर फ्रिक्वेंसी, रोटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, स्टेटर के, सॉरी, हाँ, रोटर की फ्रिक्वेंसी स्टेटर की फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी। अगर ऐसा हुआ तो इंडक्टेंस भी सबका अलग अलग होगा, हाँ वो है ही, लीकेज फ्लक्स उसकी वजह से ज़्यादा कम ज़्यादा है इसमें। लार्जेस्ट करंट इन इट लिस्ट, हाँ ठीक है। अब देखो इसका इंडक्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ से करंट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। इसका इंडक्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इसका करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। और ये इसमें लिखा ड्यूरिंग स्टार्टिंग द रोटर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द स्टेटर फ्रिक्वेंसी एंड हैंस लीकेज रिएक्टेंस ऑफ बॉटम स्ट्रिप लार्जेस्ट एंड करंट इज इन इट इज लीस्ट, यहाँ से करंट क्या होगी, कम फ्लो करेगी। ठीक है, टॉप स्ट्रिप हैज लो रिएक्टेंस, या टॉप स्ट्रिप क्या है, लो रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस है एंड करंट इन इट इज लार्ज, तो यहाँ से करंट क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करेगा। ठीक है, दस द करंट इन लो रिएक्टेंस टॉप स्ट्रिप विल बी ग्रेटर देन दैट इन लीकेज रिएक्टेंस लोअर स्ट्रिप विल लीड दैट ऑफ करंट इन लोअर वन, ये तो मैं समझा चुका आपको। दस देयर इज नो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होता है असमान डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो करंट हमारा वो डिवाइड होगा, बट जाओगा कैसे, नॉन यूनिफॉर्म असमान रूप से, मतलब किसी में करंट ज़्यादा होगा किसी में कम। जो ऊपर है लेयर ए एलिमेंट है उसमें क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, जो बॉटम में है उसमें करंट क्या होगा, कम होगा। विच इज़ सोन इन द फिगर दैट इज स्किन इफेक्ट, ये स्किन इफेक्ट है। ठीक है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट इफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल डिक्रीजेज, स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल डिक्रीजेज, जो हमारा इफेक्टिव अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, कम होगा। रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रोटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, करंट कम हो जाओगी, और करंट कम हुई तो क्या होगा, अगर करंट कम हुई तो क्या होगा, जो हमारा करंट अगर कम हो जाओगी तो क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाओगा हमें। ठीक है, एज लीकेज रिएक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, लीकेज रिएक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्वेंसी के। अब देखो जब वो रोटेट रोटेट कर, देखो दे नॉन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करंट डिपेंड्स ऑन द, ठीक है तो कोई नहीं, हाँ प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, जैसे स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ने के साथ क्या होगा, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम कितना मतलब क्या है, ये होगी मुश्किल से दो से तीन या चार या पाँच,
रोटेशन पर मिनट आरपीएम, मतलब सॉरी फ्रिक्वेंसी की बात है ना, ये तो हर्ट्स ही होगी। तो ये कितनी हो जाएगी हर्ट्स में, फ्रिक्वेंसी 2 या 3 या 4 हर्ट्स होगी, 5 हर्ट्स मैक्सिमम 5 हो गया। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो होगी ना रोटर की, वो बहुत कम हो जाती है जब ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा नॉर्मल ऑपरेशन, मतलब कि विद द इंक्रीजिंग रोटर स्पीड द रोटर फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस। रोटर फ्रिक्वेंसी मैंने अभी बताया कम हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाओगी। एंड स्किन इफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस, तो इतना कम हो जाओगा तो जो हमारा रिएक्टेंस है उसका इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ, रिएक्टेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रिप्स एट दिस ऑल फ्रिक्वेंसी बिकम ऑलमोस्ट इक्वल एंड, तो जो इनका फ्रिक्वेंसी की वजह से क्या होगा, लगभग बहुत ही कम है, तो फ्रिक्वेंसी जब बहुत कम है तो रिएक्टेंस भी क्या होगा, लगभग सबका इक्वली ऐसा दिखेगा कि लगभग एक जैसा ही है, अप्रोक्सीमेट जीरो के आसपास चला जाओगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या बहुत ज़्यादा कम होगी। जीरो के इक्वल भी नहीं गया तो ये कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल एंड द करंट डेंसिटी ओवर द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल बिकम यूनिफॉर्म, तो और करंट कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म होना शुरू हो जाओगी, तीनों में क्या हो जाओगी, एक समान करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। एसी रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द डीसी रेजिस्टेंस, तो एसी रेजिस्टेंस उस टाइम क्या होगा, डीसी के इक्वल होगा, क्योंकि रिएक्टेंस क्या हो जाओगी जीरो, मतलब लगभग जीरो। तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब जेड में तो एक्सएल बचा ही नहीं है, जब बचा ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू आर के हो जाएगा, तो एसी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू डीसी रेजिस्टेंस। हाँ मतलब किस तरह का, लेकिन एसी रेजिस्टेंस मतलब इम्पीडेंस नहीं बोला उसने, रेजिस्टेंस बोला, ठीक है। तो टेंशन ना लो, लगभग लगभग मतलब ऐसा ही है कि इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एसी और डीसी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडक्टेंस में लीकेज रिएक्टेंस ले रहे हैं ना वो। दस विद द हेल्प ऑफ डीप बार रोटर, इस प्रकार डीप बार रोटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस टॉर्क ऑफ इंडक्शन मशीन हैज़ इम्प्रूव्ड, जो हमारा टॉर्क है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव का मतलब बढ़ाना नहीं है, इम्प्रूव का मतलब है ऐसा टॉर्क बना सकते हैं जिससे हमारा रोटर रोटेट करना शुरू कर जाए, स्टैंड स्टिल कंडीशन से क्या करे, स्पीड पकड़ना शुरू कर दे, रोटेट करना शुरू कर दे, ऐसे टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं हम। इम्प्रूव का मतलब यहाँ पे बढ़ाना नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। द नेट रिएक्टेंस ऑफ डीप बार रोटर एट स्टैंड स्टिल इज हायर देन दैट इन नॉर्मल बार डिज़ाइन, तो हम क्या करते हैं, नेट रिएक्टेंस ऑफ डीप बार रोटर एट स्टिल इज हायर, और अगर देखा जाए ओवरऑल इसका तो रिएक्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा हायर देन दैट ऑफ नॉर्मल बार डिज़ाइन, जो नॉर्मल से हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब जैसे हमने कम ज़्यादा कह रहा है ना, तो लीकेज रिएक्टेंस बढ़ना शुरू हुआ उस तरीके के बारे में। हैंस ब्रेक डाउन और पुल ओ, ये सॉरी पुल अप है ये, एक सेकेंड इसे पुल अप कर लेते हैं, पुल अप, ठीक है। हैंस ब्रेक डाउन और पुल अप टॉर्क इन डीप बार रोटर इज लोअर, इसका मतलब देखो समझोगे, ये सबसे मेन है इसमें। ब्रेकडाउन टॉर्क बोलते हैं उस टॉर्क को जो, ये मैक्सिमम टॉर्क होता है जो किसी रोटर के, मतलब हाँ किसी भी रोटर के अंदर जो डेवलप टॉर्क है, मैक्सिमम डेवलप टॉर्क है वो होगा ब्रेकडाउन टॉर्क, और पुलअप टॉर्क होगा वो मिनिमम टॉर्क जो स्टैंड स्टिल कंडीशन से, मतलब रुके हुए रोटर को रोटेट कराना शुरू कर दे, उसे कहोगे पुलअप टॉर्क। इन डीप बार रोटर इज लोअर, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा डेवलप टॉर्क है उसे हम करेंगे कम, जिससे क्या होगा एक ऐसा टॉर्क मिल जाएगा जो क्या करेगा रोटेट करना शुरू कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेवलप टॉर्क को हम इम्प्रूव कर लेते हैं और उसे क्या कर लेते हैं, ऐसा टॉर्क बना देते हैं जिससे वो क्या कर ले, पुल अप टॉर्क बन जाएगा और वो रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। तो थैंक यू क्लास, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको, थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।